मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? तो हमारे दिन की शुरुआत सभी को पता है कैसे करते हैं। अब तो मुझे उम्मीद है कि जो दो से तीन श्लोक या मंत्र मैंने आपको सिखाए हैं मेरे साथ सभी दोहराते होंगे, है ना। इसीलिए मैंने बहुत सारे श्लोक या मंत्र नहीं दिए, क्योंकि थोड़ा करो लेकिन अच्छे से करो, है ना। तो कंठस्थ हो गए होंगे तो सभी अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ दोहराएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी अपनी आंखें खोलेंगे। और पिछली क्लास में मैंने आपको पाठ पढ़ा दिया था, पाठ 10, हम क्या खाएं, है ना। लेकिन मैंने पाठ 9 के प्रश्न उत्तर छोड़ दिए थे, तो आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। सभी अपनी क्लास वर्क कॉपी निकालें और हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर। सभी लोग हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर, डेट डालेंगे, प्रश्न है बच्चे किससे बात कर रहे थे। बच्चे किससे बात कर रहे थे? बादल से। उत्तर तो बच्चे किससे बात कर रहे थे? उत्तर बच्चे बादल से बात कर रहे थे। बादल जो कि पानी लाते हैं ना, तो बच्चे बादल से बोल रहे थे कि बहुत हुआ पानी पानी, कीचड़ कीचड़, है ना। बच्चे कहाँ फंसे थे? बच्चे घरों में फंसे हुए थे, है ना। घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बाहर नहीं खेल पा रहे थे। प्रश्न तो बच्चे कहाँ फंसे थे? बच्चे घरों में फंसे थे। उत्तर ग, धूप खिलाने के लिए बच्चे किससे कर रहे थे? प्रश्न ग, धूप खिलाने के लिए बच्चे किससे कह रहे? धूप खिलाने का किसे कह रहे थे? सूरज। कौन धूप लाता है? सूरज। तो किससे बोल रहे थे बच्चे? सूरज से। उत्तर धूप खिलाने
के लिए बच्चे सूरज से कह रहे थे। अब उत्तर प्रश्न न पे आ जाओ। प्रश्न कविता, सारी इनको प्रश्न एक दो तीन दे देंगे, ये मौखिक थे आपके प्रश्न एक, प्रश्न दो, प्रश्न तीन और प्रश्न चार। कविता में किस मौसम का वर्णन है? किस मौसम का वर्णन है? वर्षा ऋतु का वर्णन है ना, बारिश के मौसम का वर्णन है।
बचे हैं ये लिख लो, वीडियो को पॉज कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत छोटे छोटे उत्तर हैं, जल्दी लिखने की आप आदत भी डालें, क्लास में ले जाएंगे आप लोग। बच्चे किससे परेशान थे? बच्चे किससे परेशान थे? कीचड़ से, है ना? बच्चों ने अपनी तुलना किससे की थी? किससे की थी बच्चों ने अपनी तुलना? सुआ, सुआ मीन्स तोते से, तोते के जैसे वो पिंजरे में बंद हो गए थे, घरों के पिंजरों में, है ना? ऐसा लग रहा था हम तोते बन गए हैं। तो प्रश्न है, बच्चों ने अपनी तुलना किससे की? सूरज दादा क्या कर सकते थे? सूरज दादा धूप खिला सकते थे, है ना? पानी से धूप खिलेगी तो कीचड़ पानी सूख जाएगा, खेल सकते हैं।
बच्चे सूरज दादा से धूप खिलाने के लिए, बच्चे किससे कह रहे, तो बच्चे धूप खिलाने के लिए सूरज दादा से कह रहे। बच्चों वन फिंगर डिस्टेंस बोल बोल के लिखना है, एक प्रश्नोत्तर के बाद एक लाइन छोड़ना है, मात्रा ऐसे ही लगाना है, सब नियमों का ध्यान रखते हुए उत्तर लिखिए। बोल बोल के लिखे, गलतियां नहीं होगी। छोटे छोटे उत्तर है, प्रश्न भी छोटे छोटे हैं, आराम से आप लोग लिख सकते हो। के प्रश्नोत्तर हो गए हैं, इस तरह से हमारा पार्ट 9 पूरा कंप्लीट हो गया है। प्रश्नोत्तर हमारे छूट गए थे, जो कि मुझे आद्या राजवीर ने मैसेज करके बताया कि दीपावली के पहले हमने ये कर लिया था, लेकिन हमारे प्रश्नोत्तर छूट गए हैं। तो थैंक यू आद्या, है ना, आपने अच्छे से याद दिला दिया मुझे, है ना, क्वेश्चन आंसर अब स्किप करते थे, भूल जाते तो रह जाता है ना, तो इस तरह से अगर कुछ छूट जाता है तो आप लोग मुझे बता देते हो, उसके लिए थैंक यू। क्योंकि दीपावली का गैप हो गया था, वीडियो मेरा पहले बन चुका था, तो मुझे नहीं याद था कि मुझे क्वेश्चन आंसर भी कराने थे, है ना। तो थैंक यू सो मच आद्या, और एक और ने, एक दो बच्चों ने भी बताया है, नाम नहीं याद आ रहा है। तो इसी तरह आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, तो वीडियो को पॉज करो और इसका स्क्रीन शॉट लो, है ना, सारा वर्क सबका पूरा होना चाहिए ना, कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है, अगली क्लास में पार्ट 10 के एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, ठीक है।